मैं भारतीय कपिलकुंड संस्थान में भारतीय कपिलकुंड पीजी कॉलेज से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। सर, विद्यालय में और क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे विद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम और इसके बाद बीटीसी जिसको बीलेट कहते हैं, ये सभी सुविधाएं हैं। इसके अलावा सिंघानिया यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है उसके बहुत से कोर्सेज यहाँ चलते हैं, डी फार्मा, नर्सिंग वगैरह, डी फार्मा, ये MSW, काफ़ी कोर्सेज यहाँ संचालित होते हैं। और विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं जो बच्चों को उसको लाभ मिलता है? विद्यालय हमारा ये बिल्कुल एकांतवास में हरितमय की जगह पे है, काफ़ी हरा भरा है, उस माहौल से दूर, और इसमें नकलविहीन परीक्षा में यूनिवर्सिटी में इसका स्थान है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत से लोग सेंटर लाने के लिए कतराते हैं। हाँ सर, तो बच्चों को शिक्षा किस तरीके से यहाँ दी जाती है, कैसे शिक्षक हैं विद्यालय में? शिक्षक हमारे यहाँ सभी ट्रेंड हैं, सभी डॉक्टरेट हैं, हर विषय में 2 या 3 टीचर हैं जो बड़े ही मनोयोग से बच्चों को शिक्षण कार्य कराते हैं। तो विद्यालय का माहौल किस तरीके से रहता है जो बच्चों से शिक्षा मिलती है? पीसफुल है और उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाती, सबके साथ समान व्यवहार करा जाता है। इसके संस्थापक जो मेजर दर्शन सिंह जी थे, उनका कहना था कि कम से कम गरीब बच्चों को दुरुस्त शिक्षा मिलेगा। ये देहात का कॉलेज है, यहाँ विशेष रूप से गरीब कन्या इंटर बाद शिक्षा जिनकी वंचित हो जाती थी वो शिक्षा देने का कार्य बड़े ही भली बार ढंग से कर रहा है। तो सर, जैसे क्लास किस तरीके से लगते हैं, क्या माहौल रह रहा है आपका विद्यालय का? क्लास तो बड़े ही अप टू डेट ढंग से लगते हैं, सभी विधिवत ढंग से संपन्न होते हैं, अच्छे माहौल है क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है, शुद्ध ऑक्सीजन, हरे भरे पौधों से आपको सुसज्जित लग रहा होगा। इसके पीछे भी ग्राउंड है, इधर भी है, ग्राउंड बहुत भरपूर है, जिम भी हमारे यहाँ, कंप्यूटर की विशेष सुविधा है, सभी कोर्सेज हैं उसके लिए, इस तरीके की पूर्ण सुविधाएं बच्चों को बड़े ही मनोयोग रूप से खींच करके लाती हैं और वो अपना दरकार पूर्ण करते हैं। अभी कोरोना समय जो चल रहा था, कोरोना समय में काफी ये अभी जैसे बच्चे नहीं आ रहे थे, कॉलेज बंद हो गए थे, इसका भी हमारे शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस प्रदान की हैं, उनका पढ़ाई बाधित नहीं होने दी, हर दूसरे दिन उनके वीडियो पढ़ते रहे जिससे वो पढ़ते रहे हैं। और हमारे यहाँ और भी गतिविधियाँ NCC की, NSS की, खेल के माध्यम से ये भी संचालित होती रही, समय में उनके भी कैंप लगते रहे, बच्चे आते रहे हैं, क्रियाएँ होती रही। एक बार मैं पुनः फिर गणतंत्र दिवस की महाविद्यालय परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों, जनपदवासियों, सबको शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। धन्यवाद।